ये है कमला। जब वो 5 साल की थी तो उसकी आंटी उसे राजस्थान के एक छोटे से गांव से नई दिल्ली ले आई। वो कमला से लोगों के घरों में जबरदस्ती काम करवाती और सारी कमाई खुद रख लेती। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। फिर कुछ सालों बाद एक दिन उसकी आंटी ने जबरदस्ती उसका बाल विवाह करा दिया। उसका पति बहुत गाली गलौज करता था। वो हर दिन शराब पीकर आता, मुझे मारता, मेरे मुंह पर पेशाब करता और टॉर्चर करने की धमकी देता। पिछले 15 सालों से कमला के पति ने उसे यौन, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न देके उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। इन सब का कमला की जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ। वो अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की सोचने लगी। पर एक दिन वो MSF के उम्मीद की किरण क्लिनिक पर पहुंची। उसकी जीने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। जहांगीरपुरी के MSF स्टाफ ने कमला के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक जख्मों का भी अच्छे से इलाज किया। एक गुप्त और सुरक्षित बातचीत के दौरान MSF काउंसलर्स ने कमला को भावनात्मक रूप से सहारा दिया। वहां उन्होंने कमला का मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज किया। इसके कारण धीरे धीरे उसकी शारीरिक और मानसिक हालत बेहतर होती गई और मन में जीने की एक नई उम्मीद जागी। अब जाकर उसे अपनी अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। आज वो एक शेल्टर में रहती है, नौकरी करके अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही है। यौन और लैंगिक हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए देखभाल की खोज का प्रयास ही उनके उपचार की दिशा में पहला कदम है। अगर आप या आपकी पहचान का कोई व्यक्ति यौन और लैंगिक हिंसा से पीड़ित है तो हमारे उम्मीद की किरण क्लिनिक से 1800-102-1075 पर संपर्क करें।